तो भैया स्वागत है ब्लॉग के इस नए सफर पे। तो भैया अब आ ही गए हो तो कान में ईयरफोन लगा के आराम से बैठ जाओ और भैया ब्लॉग के चटपटे रंग को आखिरी तक देखने की कोशिश करना, इससे मेरा भी भला है और मेरे यूट्यूब कैरियर का भी भला। धन्यवाद। आज संडे और अभी फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं खाया है, 3 बज गए एंड अभी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आई डोंट नो मैं क्या बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। सोयाबीन टमाटर प्याज मैंने चॉप करके, नहीं सोयाबीन को चॉप नहीं किया, सोयाबीन टमाटर प्याज सारे मसाले बना के मैंने इसमें चावल जो है डायरेक्टली डाल दिया है बिना चावल को बॉयल किए, तो आई डोंट नो क्या बन रहा है, तो मुझे आइडिया नहीं है अब ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा अच्छा खाने लायक, तो बस एक्सपेरिमेंट था। देखो बन रहा है, तो इसमें चावल जो है, ओ भाई साहब चावल तो हो गई है इसमें, मुझे आइडिया नहीं था कि चावल इसमें हो पाएगी। ये देखो मेरे रूम का कंडीशन, ऐसे लग नहीं रहा है कि अकेला बंदा यहाँ पे रहता है। ये देखो इतना ज़्यादा मैं सब, इतना ज़्यादा। आज संडे तो अपने रूम को पूरा करते हैं साफ, और भाई ये रहने लायक अकेले बंदे के लिए, अकेला रह रहा हूँ यार। ये देखो अब ये रूम देखो यार, फाइनली रूम मेरा पहले से मेंटेन हो गया। पसीना देखो भाई, कौन कहता है कि भाई, जो दोस्त कहते हैं ना कि भाई बाहर रह रहे हो मौज है तुम्हारे, ये देखो मौज, ये देखो। तो बाहर रह के तैयारी करना और बाहर रह के सारी चीज़ अकेले मेंटेन करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और तैयारी की बात आई है तो IIT JEE के जो फेज़ 2 वाले एग्ज़ाम्स हैं शायद 18 तारीख को कंप्लीट हो गए, तो इस पर भी मुझे वीडियो बनानी है शायद, हो सके तो मैं इसी के लिए, मैं चाह नहीं रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं क्योंकि ये काम जो है बाकी जो एजुकेशनल चैनल्स हैं जैसे कि सौरभ जो है वो ऐसे लोगों का काम है, वो लोग अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इस चीज़ पर काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। बट मेरा चैनल जो है ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो वो भी मैं इनके थ्रू, मतलब अपने ब्लॉगिंग के थ्रू दे सकता हूँ, तो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है IIT JEE का, तो होप सो मैं इस वीडियो में वो शेयर करूं आगे। एंड फिलहाल तो ये देखो यार पूरा सब चकाचक हो गया, अब थोड़ा सा खाते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कैमरा फिल्डिंग का काम करता था तुम्हें पता है, अच्छा तुम्हें दे दो होलिका दहन के लिए होली। सो गाइस ये पांडेपुर में होलिका दहन यहाँ पे होती है। सो गाइस वो देखो मिक्सर हॉस्पिटल, ऐसा लग रहा है कि वो भाई कोई हॉस्पिटल है, लेकिन नीचे देखो पंखा AC कूलर प्रेस ये सब बनता है। इसको मैंने बुलाया था अपने रूम पे और ये बंदा उल्टा मुझे ही अपने रूम पे लेके आ गया, और यहाँ पे देखो चिकन बन रहा है। गाइस ये मैंने चिकन अभी चढ़ाया है और लास्ट 3 दिन से मैं लगातार चिकन खा रहा हूँ। हो गया, हाँ तवा रख दो। सो गाइस मैं रोटी बेल रहा हूँ एंड मैंने इतनी रोटी बेल दी, अभी इतनी बची है, बट ये काफी सॉफ्ट है। मुझे 4 बजे जाना भी है और अभी जो है 2:30 बजने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ मुझे लेट ना हो जाए, बस यहाँ से करके तुरंत निकलना है मुझे। तुम्हारे रूम की हालत तो और सुंदर है मेरे रूम से ज़्यादा। तुम्हारे रूम का रूम टूर देते क्या? देखो गाइस ये रूम है पूरा। तो गाइस रोटी का एक्सपीरियंस देखो, पूरा एकदम परफेक्ट गोल बनाने की रोटी आदत हो गई है, अब बन चुका हूँ मैं। भाई ये तो पूरा ऐसे घूम जा रहा है। तो वैसे इसका फ्लैट कितना भी अच्छा हो लेकिन इसका लोकेशन जो है मज़ेदार नहीं है भाई, हम लोग के लोकेशन से अच्छा नहीं है। क्यों गाइस? भाई तुम्हारा फ्लैट जो है, रूम जो है काफ़ी सही है पर लोकेशन तुम्हारी अच्छी नहीं है। मेरा व्यू बहुत मस्त है। हम लोग का एक फ्रेंड है अमन, वो नहीं है भाई, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्यों नहीं है वो? अमन से बात करने के लिए नींबू है। अरे नहीं भी आ जाओ कुत्ते तक आ जाओ भाई, हम ध्यान से उतर गया। अरे बहुत डर लगता है यार मुझे उससे। भाई साहब तुम बहुत ही हाईलाइटेड पार्ट हो भाई, जाओ जाओ। चलो बाय 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 बाय। तो भैया 5 साल बनारस रहने के बाद मैंने कभी ऑटो वालों पे इतना गौर नहीं किया जितना मुझे कल करना पड़ा।
अरे गाइस ब्लॉग को बीच में रोकने के लिए यहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात कहनी है। देखो अपनी आजीविका तो कोई भी कैसे भी चला लेता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत क्या होती है ये हम लोग को समझ के उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक्चुअली पहले क्या होता था कि पहले हम लोग सोचते थे कि जो रिक्शा वाले हैं जो पैडलिंग करते हैं उनके पास ज़्यादा मेहनत होती है, उनकी रिस्पेक्ट करो और उन्हें पैसे दो और हो सके तो उनसे ट्रैवल करो, क्योंकि बेचारे उनकी जो सवारी है बहुत ही कम मिलती है एंड उनकी जो रोजी रोटी है वो भी बहुत कम है, तो उन लोग की रिस्पेक्ट करो। बट कल अचानक से क्या हुआ आई डोंट नो, मैंने उस ऑटो वाले पे नोटिस किया, मुझे लिटरली बहुत लेट हो रहा था फिर भी मैंने उस ऑटो वाले पे नोटिस किया एंड वो ऑटो वाला मुझे बोला कि भाई आप ऑटो में बैठो हम तुरंत चल रहे हैं। एंड उसके बाद वो बंदा कम से कम 15 मिनट मुझे वेट करवाया। देखो मुझे इस बात का कतई बुरा नहीं लगा कि मुझे वेट करवाया, बट मैं सिर्फ नोटिस एक चीज कर रहा था कि वो 10 रुपए कमाने के लिए 15 मिनट अपने टाइम लॉस करके इधर उधर इतनी गर्मी में भटक उसने ऑटो का एक और सर्कल लगाया पांडेपुर चौराहे पे एंड फिर वापस से मुझे बैठाया। फिर 5 मिनट वेट करने के बाद फिर जब पुलिस आई वहाँ पे देन वो फाइनली गया। तो यार कितना ज़्यादा ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, पुलिस को फेस करना पड़ता है, पब्लिक को फेस करना पड़ता है और दिन भर चिल्लाते चिल्लाते उनका गला खराब हो जाता है, पता नहीं इतना कैसे लोग करते हैं। तो जो जानता है कि पैसे कैसे कमाते हैं वही पैसे की सच्ची अहमियत जानता है, ये जहाँ तक मुझे लगता है। एंड उन लोग को भी भाई मेरा सल्यूट है, अगर आप लोग कहीं देखो तो प्लीज़ डिसरिस्पेक्ट मत करो, अगर आप लोग को लेट हो रहा है आप दूसरी ऑटो ले लो, लेकिन उन लोग की डिसरिस्पेक्ट कभी मत करना है ऐसे लोगों की। ले चलो भैया But it makes us feel alive, so we go with the flow. Just love me harder, have no mercy on me. Just tell me louder, if you're loving me. Just love me harder, have no mercy on me. Tell me louder. गाइस यहाँ के ऑटो वाले सीरियसली बहुत मेहनत करते हैं, कम से कम 15-15 मिनट खड़े रहते हैं एक एक सवारी के लिए। अगर आप लोग को ऐसे ऑटो वाले दिखे तो मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ के आगे भाग जाना या फिर पैसे ऐसे कम देना, क्योंकि मानते हैं रिक्शा वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो लोग अपने आप को भी खुश करते हैं। ऑटो वाले भी एक एक सवारी के लिए 15-15 मिनट धूप में खड़े रहते हैं, मैंने लिटरली उस इंसान को देखा। ऑटो वाले भैया मुझे पहले बोले कि 5 मिनट बस तुरंत आपको चलेंगे लेकर, पर मेरे को बैठा के 15 मिनट तक वो वेट किए। अब भाई किसी की रोजी रोटी का सवाल है तो मैं भी कुछ बोला नहीं, मैं कहा चलो। और इस समय 3:30 हो चुके हैं, मुझे बहुत रश में भागना पड़ेगा और अब आप लोग से मिलते हैं शाम को, टाटा।